गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के विभिन्न राज्यों के प्रौढ़ शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्रियों और जिला पंचायत अध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें देश की हर ग्राम पंचायत को साक्षर बनाने का संकल्प लिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री MM पल्लम राजू ने कहा कि देश भर की ग्राम पंचायतों को 100% साक्षर बनाना उनके मंत्रालय का लक्ष्य है। इट वॉज इन दिस कॉन्टेक्स्ट of the government's overall policy aimed at the empowerment of women and in recognition of the fact that literacy, especially female literacy, is a prerequisite to socio-economic development, that Sakshar Bharat was conceived. And we named it Sakshar Bharat as literacy is the foundation, the stepping stone for Bharat Nirman, on which every Indian has a right. Yojana Ayog ke upadhyaksh Montek Singh Ahluwalia ne kaha ki Ayog भारत को साक्षर बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ है। आई जस्ट वॉन्ट टू अश्योर यू दैट वी डू रिगार्ड द साक्षर भारत प्रोग्राम एज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द होल एजुकेशनल एंड लिटरेसी एफर्ट इन द कंट्री एंड आई एग्री विद हिम दैट इट डिजर्व्स मोर सपोर्ट एंड वी विल सर्टनली कीप दैट इन माइंड। राज्यों के मंत्रियों ने भी कहा कि वे केंद्र सरकार की साक्षर भारत की सोच का हर कदम पर सहयोग करेंगे। सरकार ने जो अपना कार्यक्रम बनाया है वह उस कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने का दायित्व हमारे राज्यों का है। उस दायित्व का पालन हमारा राज्य बेसिक शिक्षा विभाग पंचायती राज मिल करके कर रहे हैं। हमने 80% महिलाओं का लक्ष्य रखा है कि 80% महिलाओं को साक्षर बना दिया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और प्रदीप जैन आदित्य सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिल्ली के विज्ञान भवन में देश भर के पंचायती राज मंत्रियों और जिला पंचायत अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक का एजेंडा साफ था कि कैसे देश के हर गाँव का हर बच्चा साक्षर बने। तमाम राज्यों के मंत्री आए और अपने सुझाव दिए और इस बात का संकल्प लिया गया कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर देश के हर एक बच्चे को साक्षर करेगी। कैमरा पर्सन जयश्रीपुरी के साथ मनोज टिबड़े वाला आकाश DD न्यूज दिल्ली।